हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। सो हाय गाइस, वेलकम टू गाइस नोटिफिकेशन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू इंस्टॉल प्रेशर रेगुलेटिंग बाइक। तो आप लोगों के काफी रिक्वेस्ट और काफी मैसेज आते हैं कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, या मेरे साथ जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं या फिर जिनका मेरे पास जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे टेलीफोन करके यही बोलते हैं भाई एक प्रेशर रेगुलेटिंग पे वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा चलो पहले आपकी सुनते हैं, बाद में मेरे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली आज मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो, और ये है वो प्रेशर रन, ये देखिए। और ये मैं दिल्ली से लेके आया था, 600 रुपये के मुझे पड़े हैं, और इसका जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और आपने मॉडिफाई जंक्शन स्टोर को अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आप उसे भी फॉलो कर लेना, उस पर भी काफ़ी प्रोडक्ट वगैरह आते रहते हैं, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा, मैंने कभी प्रेशर ना इंस्टॉल किया है और ना मैंने कभी लाइव साउंड सुना है, तो इसको इंस्टॉल करेंगे, इसका लाइव साउंड सुनेंगे कैसा है और सब कुछ बताऊंगा, बैटरी वगैरह कई मतलब क्या इसको मतलब ज़्यादा बैटरी खाता है, प्रेशर ना होगा तो पता ही है, तो बैटरी को ड्रेन होने से कैसे बचाना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का ये मिलता है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूजिकल स्टाइल एयर हॉर्न, और इस तरफ लिखा हुआ है 3 एयर हॉर्न ट्यूब्स है, 1 कंप्रेसर है, 1 रिले है, 1 ट्यूनिंग सेक्शन स्विच है, 1 एयर पाइप है, और 1 कंप्लीट सेट ऑफ फिटिंग पार्ट्स है। तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। तो इसके साथ हमें ये 3 पाइप्स मिलती हैं, एयर पाइप है और ये की पाइप है, ये कंप्रेसर है, ये देखिए। और ये पाइप्स काफ़ी लाइट वेट है, कंप्रेसर में थोड़ा वेट है, ठीक है। और इसके साथ हमें जो भी इसका सामान है वो मिलता है, क्लिपिंग वगैरह, नट्स वगैरह, और ये रिले है। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर हॉर्न के अंदर ये है, अगर ये आप यूज नहीं करते हैं तो बैटरी वो जल्दी ड्रेन होगी ये, और इसके यूज करने से क्या बैटरी का जो पावर कंज्यूम कम होगा। और उसके साथ कि हमें पेपर मिलता है, ये देखिए, और इसे आप पढ़ के अच्छी तरह आप यूज कर सकते हैं कि कैसे लगाना कैसे नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए कुछ स्टेप से करना है, और अभी इसे बाइक में फिक्स करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इस प्रेशर हॉर्न को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस टाइप की एक लोहे की पत्ती लेनी होगी, ये देखिए कुछ इतनी लंबी लेनी होगी, और उसके अंदर ये देखिए इतनी इतनी डिस्टेंस के ऊपर हमें होल्ड करना होगा, तो 4 होल्ड करने हैं। तो ये दो मैंने पहले लगा दिए हैं, जो पाइप होती है प्रेशर वाली, और एक यहाँ पर लगानी है, तो वो देखिए किस टाइप से लगानी है। तो सबसे पहले क्या किया है कि एक नट बोल्ट को इसके अंदर लगाया, ये देखिए इस तरफ, और इसको इस तरफ यूँ नीचे रखना है, और इसके ऊपर एक नट को फिक्स करना है कुछ इस टाइप से। ये देखिए ये फिक्स हो चुके हैं, और तुन्ने कुछ इस टाइप से लगेंगे। और ये जो चौथा होल किया है ये इसलिए किया है क्योंकि प्रेशर उनका, आप ये देख, ये जो आप देख रहे हैं इंजन वाला पार्ट, ये वाले नट को खोल के हमें इसको कुछ इस टाइप से यूं लगाना है, ये देखिए ये कुछ इस टाइप से यूँ लग जाए, ये वाला खुल के नट, और इसके अंदर से निकल जाएगा और प्रेशर कुछ इस टाइप से फिक्स हो जाएंगे। और इसको फिक्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंप्रेसर को कैसे फिक्स करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए फिक्स हो चुका है, और फिक्स होने के बाद कुछ इस टाइप से लगेगा, ये देखिए। और अब बात करते हैं कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैंने पहला अपने जो यूटिलिटी बॉक्स है वो मैंने हटाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ फिक्स करूँगा। अगर आप अपना यूटिलिटी बॉक्स नहीं हटाना चाहते और उसे लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो पत्ती है इसको थोड़ा और लंबा करना होगा, और उसके बाद ये जो कंप्रेसर, ये देखिए, ये कुछ एक सेकेंड इस टाइप से यूँ फिक्स हो जाएगा इसके ऊपर, ये देखिए, और आपका जो यूटिलिटी बॉक्स है वो भी लगा रहेगा। तो मैंने अपना यूटिलिटी बॉक्स पहले से हटाया हुआ, तो मैं इसको सिर्फ उधर ही फिक्स करूँगा, और उसके बाद इसके जो पाइप वगैरह है और उसके जो कनेक्शन है उसको बताऊँगा कैसे करना है। तो अब ये देखिए पाइप भी लग चुकी है और कंप्रेसर भी बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ये देखिए एकदम। और अब इसके जो कनेक्शन है उसको करते हैं, और जो सबसे एंडिंग में इसकी पाइप वगैरह का कनेक्शन करेंगे, तो जो वायरिंग वाला कनेक्शन है वो सबसे पहले हम कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जो प्रेशर हॉर्न को फिक्स करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है जो हमें चाहिए वो ये है हॉर्न रिले। अगर आप ये यूज नहीं करते हैं जो तो आपकी बैटरी वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी,
और जो चार्जिंग होने में वो भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जो प्रेशर है वो काफ़ी लोड लेते हैं बैटरी का। तो अगर आप ये लगाएंगे तो आपकी जो बैटरी है उसका जो कंज्यूम है वो बिल्कुल कम होगा। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा आराम से 70-80 रुपये का। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मिंडा कंपनी का है। तो कुछ स्टेप का हमें और रिले चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आप आमने सामने वाले ये जो देख रहे हैं पॉइंट, इसके अंदर हमें जो हॉर्न की जो ऊपर से वायर आती है उसको लगाना है। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमें क्या करना है, जो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ से एक वायर को लाना है और इसके अंदर लगाना है। तो मैं इतना कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। तो ये देखिए, ये मैंने कर लिया है, जो हॉर्न के ऊपर से वायर आ रही थी उसको मैंने लगा दिया। उसके बाद बैटरी के जो पॉजिटिव पॉइंट था वहाँ से एक वायर को लेके आया और उसको मैंने इस पॉइंट पे लगा दिया। और ये मेक श्योर कर लीजिए आप, ये वाला जो आप लगाएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है 30 नंबर, तो उसको आपको जो उसके ऊपर लगाना है। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि जो की है उसको ऑन करना है और हॉर्न को प्रेस करके देखना है। तो ये देखिए, इसके अंदर से एक किट किट की आवाज़ आती है। तो अगर इसका मतलब ये है कि ये जो रिले एकदम सही लगा है और ये रिले एकदम सही भी है। तो उसके बाद करते हैं जो प्रेशर हॉर्न के कनेक्शन को। हाँ तो फ्रेंड्स, हमें वायर के कुछ स्टेप टुकड़े चाहिए और इसके दोनों साइड में थिम्बल लगाना चाहिए और इतनी चाहिए और उसके भी साइड में दोनों थिम्बल लगाना चाहिए और उसको यहाँ से थोड़ा हल्का हल्का कट करना है। ये देखिए मैंने किया हुआ है। वायर चाहिए कुछ थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा होना चाहिए और एक साइड वो मतलब कि थिम्बल लगाना और एक साइड में नहीं लगाना। और सेम एक वायर और चाहिए, वो भी इसी साइज़ के अंदर चाहिए। तो अब ये होगी वायर्स, अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो एक वायर भी दिखाई थी जिसके मैं दोनों साइड में थिम्बल थे, तो जो ये कनेक्शन यहाँ ये वाला जो रह रहा था जो रिले वाला, उस वायर को इसके अंदर लगाना है। और आप जो कनेक्शन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो इसके जो कनेक्शन है वो थोड़े से पजल टाइप के हैं, बट मेरा जितना कोशिश होगी आपको एक ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसको लगा दिया और उसको उस साइड में भेजना है। तो ये वाली वो वायर है, इसको निकालिए। और ये वो वाली वायर है जिसको मैंने बीच में से हल्का सा कट किया था, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, ये जो उसके साथ में बटन आया था ये साउंड को मतलब कि चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप के साउंड है, तो ये वाले बटन के अंदर में एक वायर लगानी है, थिम्बल उसके साथ लगाना चाहिए। और ये देखिए, ये यहाँ से जो कट की हुई वायर थी उसको उसके अंदर लगाना है जो मैंने यहाँ से हल्का सा कट किया था। तो इसको करते हैं। तो ये देखिए कुछ इसी टाइप से हो रहा है। और ये चीज़ जो भी कर रहे हैं उसके बाद हमें टेप करना है जो चीज़ें कर रहे हैं हम। तो ये देखिए हो गया, तो ये हो चुका है। ये देखिए, अब ये वाली जो वायर है इसका हमें क्या करना है, ये जो कंप्रेसर देख रहे हैं आप, इस कंप्रेसर की साइड में पॉजिटिव साइड है, ये देखिए इस साइड में, यहाँ पे एक सेकेंड, इस साइड में पॉजिटिव साइड वाला कनेक्शन ये देखिए रहा, इस तरफ ये रहा, इसको इसके अंदर लगाना है। तो इसे भी कर लेते हैं। ये देखिए इसको लगा लिया इस तरफ। तो अब हम एक वायर और लेनी है जिसके दोनों साइड में थिम्बल लगाओ। तो उसे क्या करना है, एक को तो बटन के अंदर लगाना है और एक ये जो कंप्रेसर वाली साइड है पॉजिटिव साइड उसको उसके अंदर लगाना है। और ये देखिए ऊपर वाली जो पॉजिटिव साइड है इसको इसके अंदर लगाना है। अब ये देखिए, जितना इजी हो सका है मैंने उतना इजी आपको बता दिया है। और अब लास्ट जो कनेक्शन रखता है वो अर्थिंग का रहता है। तो एक वायर लेनी है जिसके थिम्बल लगाओ इस साइड में और यहाँ पर जो नेगेटिव का पॉइंट है तो इसको इस साइड में लगाना है। और इसको अर्थिंग देने के लिए आप नीचे कोई भी नट वगैरह देख रहे हैं उसके साथ में अटैच करना है। तो ये सारा जो प्रोसेस है यही प्रोसेस है और मैं आपको फिर एक बार बता दूंगा, पहले मैं ये वाला काम कर लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड, जो इसका कनेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने एक हॉर्न रिले लिया और हॉर्न रिले के जो आमने सामने वाले पॉइंट थे उसके अंदर मैंने हॉर्न की दो वायर लगाई है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो 30 नंबर वाला पॉइंट था उसके ऊपर मैंने जो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है वो लगा दिया। और फिर जो उसके एक कनेक्शन बचता था वहाँ पर मैंने एक थिम्बल के साथ वायर को अटैच किया और वो वायर यहाँ से आती हुई जो कंप्रेसर का पॉजिटिव पॉइंट है उसमें लगा दिया, ये देखिए इस तरफ। उसके बाद जो इसका ऊपर वाला नेगेटिव पॉइंट है उसके अंदर भी एक वायर को लगाया और उसका अर्थिंग का कनेक्शन दे दिया, ये देखिए इस तरफ, यहाँ पे एक नट पे इसको लगा दिया। अब बात करते हैं इस बटन की जो साउंड को चेंज करने के लिए काम आएगा। तो इसका कनेक्शन क्या करना है, पहले एक वायर को अटैच करना है और इसको जो कंप्रेसर की पॉजिटिव वाली साइड है उसके अंदर लगाना है, फिर सेकेंड यहाँ लगाना है और उसको जो हमने कंप्रेसर की पॉजिटिव साइड में लगाया था और यहाँ वायर कट की थी उसको इसके साथ अटैच करना है। तो सारे कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आप की को ऑन कीजिए और जो हॉर्न वाले बटन को प्रेस कीजिए, आपको कंप्रेसर की आवाज़ सुनाई देगी, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि जो कनेक्शन है बिल्कुल सही लगे एकदम। अब हमें क्या करना है, जो इसकी पाइप पे हैं उसको अटैच करना है ताकि जो हॉर्न है वो काम करे। तो चलिए दोस्तों उसे करते हैं।
जो इसके साथ पाइप आई थी हमें उस पाइपों को अपने हिसाब से कट कर लिए हैं। आपको जब आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उसको किस हिसाब से कट करना है। और एक हमें इस टाइप का ये जो वाई टाइप का कनेक्टर है ये उसके साथ आएगा हॉर्न के साथ। तो क्या करना है, इसको लेना है वायर के जो पाइप के टुकड़े उसको अटैच करना है साइड, और एक वायर को यहाँ लगाना है। तो लगा लेते हैं, कुछ स्टेप्स लगेगा, ये देखिए कुछ स्टेप्स हो जाएगा और ये पूरा कनेक्शन बन चुका है। अब इसको सीधा इसके जो हॉर्न पाइप है उसके अंदर कनेक्ट करते हैं और फिर साउंड चेक करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए पाइप का कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो जो ये सबसे नीचे वाला हॉर्न है ये देखिए यहाँ से जाती हुई पाइप यहाँ गई है, और ये जो इसका वाई वाला कनेक्टर था ये देखिए इसको एंटी डायरेक्शन के अंदर इस टाइप से लगा दिए, ये देखिए। उसके बाद जो सेकंड पाइप है उसको इस तरफ लगाया और ये थर्ड पाइप को इस साइड में लगाया, और जो लास्ट कनेक्शन बचता था ये वाला जो मैंने खाली छोड़ा था तो इसको भी मैंने यहाँ पे एक सिंबल लगा दिया और अर्थिंग का कनेक्शन दे दिया कोई नेट वगैरह पे। और जो साउंड चेंज करने वाला बटन है वो मैंने इस तरफ रख दिया है, आप इसको कहीं भी अटैच कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसको यहाँ रख दिया क्योंकि मैं जो इसको टेम्परेली लगा रहा हूँ, मेरे को प्रेशर रोनर मतलब कि बाइक में नहीं लगाना, मेरे विंटर रोनर पसंद है। तो आपके कहने पर मैंने वीडियो बनाई थी तो इसलिए मैंने एक बार इसको यहीं लगा दिया। और अब इसके साउंड को चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब साउंड को चेक करते हैं। काफी दूर तक साउंड आता है इसका, ये देखिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी जानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में मॉडिफाई जंक्शन को स्टोरेज उसको फॉलो कीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।